तो गाइस पता नहीं पीयूष को क्या हो गया, देखो पीयूष का फेस देखो क्यों रो रहा है। वीडियो के बीच में नेट बंद हो गया यार। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही टेस्टी खाने के साथ में। ये देखो क्या मस्त पनीर बनाया मम्मी ने और साथ में चावल। काट ले ले, दे तो रहा हूं हाथ, काटना है तो ले। फालतू में डराएगा, देखो काटेगा भी नहीं, उसके मुंह में हाथ दे रहा हूँ, काटेगा नहीं, डराएगा फालतू में। डराने के अलावा कुछ आता है क्या? तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब फिलहाल चलते हैं। आज है सेकंड एपिसोड हल्द्वानी सीरीज का। मैं आपको हल्द्वानी के आसपास के सारे एरिया दिखा रहा हूँ ना, एक एक एपिसोड करके। तो आज की इस वीडियो में हम जाएंगे पहाड़ पे, तो आपको दिखाऊंगा पहाड़ पे किस तरह से जाते हैं, क्या क्या हमको रास्ते में देखने को मिलता है और क्या क्या हम कहाँ कहाँ और हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं पहाड़ से। तो चलो चलते हैं, सीधा स्कूटी उठाते हैं और चलते हैं सीधा पहाड़ पे। और आज मैं पीयूष को नहीं, आज मैं कुनाली को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ में स्कूटी में। कुनाली आगे बैठेगा मस्त अपना, आज पीयूष जाएगा कुनाली जाएगा। रेडी कुनाली? रेडी? मजाक कर रहा हूँ गाइस। मजाक था ये तो। गाइस कुनाली को नहीं जा सकता ना, बिकॉज ये छोटा है, इसके पास हेलमेट भी नहीं है, तो स्कूटी पर थोड़ा डेंजर है बच्चे के लिए, इसलिए कुनाली को नहीं जा सकते। कुनाली गुस्सा हो गया, उसको ले जाने के लिए मना कर दिया ना, लेकिन गाड़ी में होता तो गाड़ी में ले जा सकते, लेकिन स्कूटी में डेंजरस लगता है ना बच्चों को, छोटा है वो वैसे भी। आप ही रूठ जाओगे तो मुझे कैसा लगेगा, मैं कैसे जाऊंगा? आप ही रूठ जाओगे तो मुझसे मत रूठो यार प्लीज। जब कुनाली रूठ जाता है ना, इतना बुरा सा लगता है मुझे, फिर मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का। क्या हुआ यार, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे आप अच्छे से, मुझे बुरा लग रहा है यार। मत रूठो यार, क्यों रूठ रहे हो? आप अभी छोटे बच्चे हो ना, इसलिए नहीं ले आ सकते आपको। हंसने वाला है कुनाली, हंसने वाला है, मुझे लग रहा है अंदर से तो हंस रहे, हंस गया हंस गया हंस गया हंस गया। तो भी गाइस पीयूष भी आ गए, तो पीयूष और मैं चलते हैं अपना सेकंड एपिसोड शूट करने। आज हम जाएंगे पहाड़ पे स्कूटी लेके। पहाड़ पे मतलब ऐसी आज दिखाएंगे, अगर हम पहाड़ पे जाते हैं तो किस तरह से हमको रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलो गाइस रेडी, आज मैंने राइडिंग जैकेट भी डाल लिया, बिकॉज पहाड़ पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ठंड लगेगी, तो राइडिंग जैकेट इसके अंदर ना, ये देखो ये भी है, विंड चीटर भी है, इससे मतलब अंदर ठंडी हवा जाएगी नहीं, और ऊपर से राइडिंग जैकेट भी ऐसा ही है। मैं कुनाली सॉरी आपको नहीं ले आ सकता, सॉरी। आपको जब गाड़ी में जाएंगे ना, गाड़ी में जाएंगे तब ले जाएंगे, ठीक है? तो भी गाइस घर से तो निकल गए हैं भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना इसमें, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई ये राइडिंग जैकेट, लेकिन पहाड़ पे सही लगेगा यार, पहाड़ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना, तो अगर पहाड़ पे जा रहे हो तो अपने गर्म कपड़े जरूर लेके जाना, डाल के जाना गर्म कपड़े। तो अभी हम पहुंच गए मेन रोड पे जो दिल्ली से आते हैं, अगर आप दिल्ली से आते हो तो आप इस रोड से ही आओगे, तो यहाँ से आपको जाना है अराउंड 15 किलोमीटर आगे, तब पहाड़ स्टार्ट होंगे। तो हमारा घर भी 15 किलोमीटर दूर ही है पहाड़ से, तो अब चलते हैं सीधा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ से आपको पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस पहाड़ पे पहुँचने वाले हैं, तो सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे और लेफ्ट में भी पहाड़ है देखो। तो हाँ, तो सबसे पहले आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर प्रणाम कर देना और उसके बाद फिर हम पहाड़ पर एंटर कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली चलाना, स्पीड में मत चलाना, अपनी लेन में चलना, ठीक है? वो तो आपको पता ही होगा भाई। यहाँ पे आते जो ठंड फील हुई है ना, यहाँ पे राइट साइड में ग्वालर नदी भी दिख जाएगी आपको, ये नदी है देखो, ठीक है? और नदी के लेफ्ट में हम चलेंगे यहाँ पे रोड में। तो यहाँ पे सामने को बोर्ड देखने को मिलेगा, नैनीताल यहाँ से 32 है, भीमताल 17 है, रानीखेत 82, तो हम जाएंगे भीमताल, क्योंकि भीमताल पास है ना, 17 किलोमीटर यहाँ से भीमताल है। तो यहाँ पे दो रोड कटते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो हमको नीचे जाना है, अगर आपको भीमताल जाना है तो आपको जाना पड़ेगा नीचे। और इस तरह से मेरी तरह स्कूटी उठा के भी आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाना। देखो कितनी प्यारी सी रोड है, कितनी प्यारा से पहाड़ है यहाँ पे, और इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है ना, अब नहीं लग रही बिल्कुल भी गर्मी। तो यहाँ पे आपको एक पुल देखने को मिलेगी, तो इस रोड पे आपको जाना है बिल्कुल सीधा। तो रास्ते में ये वाला एरिया मेरा फेवरेट है, बिकॉज यहाँ पे ना अलग टाइप के पेड़ है देखो यहाँ पे, और यहाँ भुट्टे वुट्टे मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो ये दिख रहे ना, तो ये दिख रहे ना, यहाँ पे आपको भुट्टे वुट्टे मिलते हैं, अभी तो नहीं मिल रहे। और रास्ते में इस तरह के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे मस्त खाना मिल जाएगा, पहाड़ी खाना आपको। तो इसी रोड में आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो ये आ चुका है सुसाइड पॉइंट, यहाँ से लोग सुसाइड करते हैं, आप मत करना। जैसे जैसे आप पहाड़ पे और ऊपर चढ़ते जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी, और ठंड बढ़ती जा रही है एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा हो चुकी है ठंड अभी। सबसे ज़्यादा मज़ा तो बाइक या स्कूटी पे ही आता है ऐसी जगह पे, ऐसे रास्तों पे चलने का, क्योंकि गाड़ी के अंदर हम बंद रहते हैं ना, तो वो फील नहीं आता। यहाँ का जो जंगल है ना, वो थोड़ा डरावना सा है, बिकॉज ना यहाँ पर थोड़ा डार्क डार्क से काले काले से पेड़ है देखो, तो थोड़ा डरावना सा लगता है मुझे तो, लगता है भाई ये। तो भाई स्कूटी मैंने बंद कर दी है और देखो अपने आप चल रही है अब, क्योंकि ढलान है ना नीचे, इसलिए देखो हम तेल बचाते हुए जा रहे हैं देखो। ओ भाई स्पीड देखो स्पीड, अरे ऑन तो कर ही सकते हैं, स्पीड है 28 की स्पीड है, ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं सात ताल, तो ये है सात ताल, देखो यहाँ पे कितनी शांति है यार। चलो भाई स्कूटी यहाँ लगा देते हैं। तो फाइनली गाइस सात ताल पहुंच चुके हैं, और देखो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ ही नहीं है, मतलब गंदगी सी हो रखी है, अभी दिखाऊं गंदगी सी हो रखी है, हमको दिखा रहे हैं। तुम गंदगी ड्रोन उड़ाएं, अलाउड है? वही मेरे को समझ में आ रहा है, ड्रोन अलाउड है नहीं है, हम सोच रहे कि यहीं पे खड़े होकर उड़ाते हैं। हमने तो इतनी बोटिंग करी है ना इस लेक में, इतनी बोटिंग करी हमने, पूरा वहाँ वहाँ तक गए हम, तो ड्रोन उड़ा तो रहे हैं, कहीं कोई मना ना कर दे कि ड्रोन अलाउड ना हो यहाँ पे, हम उड़ा दे फिर मना कर दे फिर पुलिस आ जाए उस दिन की तरह। गोप्रो वाटर प्रूफ है ना, गोप्रो डाल दो पानी में,
मर्जी है भाई, ये भी होगा यार वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ है लेकिन डाल दूंगा तो डूब जाएगा। डाल देगा तो डूब जाएगा यार। क्या नहीं बताएगा कि हमको बहुत मार पड़ी ड्रोन उड़ाने में। नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं बोला हमको। कैमरे के पीछे झूठ बोला जा रहा है, बहुत मार खाई है इसी से खाई। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया सात ताल। अगर आपको हल्द्वानी से सात ताल आना है तो आप इस तरह से आ सकते हो रोड से। तो गाइस यहाँ पे हमको हमारे सब्सक्राइबर मिलेगा, देखो यहाँ पे यही सात ताल। तुम क्वेश्चन पेपर पे ऑटोग्राफ ले रहे हो? अरे तुमको इंस्टा आईडी नहीं पता मेरी? उस पे ब्लू टिक होगा मेरी पे। गाइस कूड़ा देखो कितना यार यहाँ पे, मेरे को कूड़ा इतना तुमको नहीं कह रहा मैं अब। ये देखो भाई। चलो भाई अब अपनी धनों को लेके चलते हैं। हेलो हेलो, कैसे हो? बस फाल बढ़िया। सरदार जी जी, डॉगी 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 को कैसे लाएंगे स्कूटी पे? स्कूटी आप बनाते हैं ब्लॉग, मैं देखता हूँ। अच्छा आप देखते हो? आप भी देखते हो? हाँ बिल्कुल। चलो भाई चलो, अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे आप रात को रुक भी सकते हो, यहाँ पे काफी सारे होटल्स हैं, रिसॉर्ट्स वगैरह भी हैं, जंगल के बीच में है। हमारे तो पास में घर है इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं ना। गलती करती ग्लव्स भी डाल के आने चाहिए थे मुझे, हाथों में बहुत ठंड लग रही है। मंजिल से ज्यादा मजा तो रास्ते का ही है इस तरह से चलने का। तो अब हम लेंगे शॉर्टकट, ये मेन रोड है, हम मेन रोड से जाएंगे, ये शॉर्टकट सही है। तेल बचाने की निंजा टेक्निक है देखो। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं भीमताल, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। सात ताल से 10-11 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ये मतलब। गाइज रात को मजा नहीं आता पहाड़ों में ड्राइव करने में, बिकॉज कुछ दिखता ही नहीं है ग्रीनरी या फिर कुछ भी। दिन में तो मस्त ग्रीनरी दिखती है, बादल दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम हल्द्वानी। यहाँ से भी हमारा घर बाकी है, 11-12 किलोमीटर और है। मतलब मेन हल्द्वानी में नहीं हमारा घर, हमारा घर थोड़ा अलग साइड में है ना। पहुंच गए घर। और कुनाली गुस्सा तो नहीं हो अब? पक्का नहीं हो ना? चलो बढ़िया। क्या कर, पढ़ाई कर रहे हो? चलो बढ़िया है, करो फिर। सरदा आगे हैं आलू। तो गाइस आज हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया, तो फिलहाल खाते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। तो आज बनी आलू गोभी एंड रोटी। मेरा खाना तो आ गया, आलू गोभी रोटी एंड हरी सब्जी। तो खाना तो आ गया, मैं बना रहा हूँ अपने लिए बनाना शेक। बहुत ही हो गई, देख कितना बेटा, देख बाल लंबे हैं, ठीक है लंबा रख थोड़ा, इतना भी तो नहीं होना चाहिए। ये क्या है ये, देखिए क्या है ये, ये क्या है ये, सारे आँख बंद है, वो बंद है, आगे से कुछ दिख नहीं रहा। तो गाइस पता नहीं पीयूष को क्या हो गया, देखो पीयूष का फेस देखो, क्यों रो रहा है? वीडियो के बीच में नेट बंद हो गया यार। तू रो क्यों रहा है फिर? अच्छा वीडियो बना रहा था, गेम खेल रहा था, वीडियो बनाते बनाते तो वो नेट बंद हो गया, तो गेम बंद होगी इसीलिए रो रहा है। कीबोर्ड टूटते-टूटते बच गया बेटा, मार खाएगा। हाँ कह रहा कीबोर्ड टूटते-टूटते, अगर पीसी कुछ भी हो गया ना गेम नहीं खेले तो कभी भी। देव दादा जी क्या कह रहा है? कह रहा है कीबोर्ड टूटते-टूटते बच गया। तो क्या होगा, वीडियो दोबारा बना लो? वीडियो नहीं बनेगी दोबारा। बस सबसे बढ़िया कुनाली है ना, गेम चाहिए ना, नेट चाहिए ना, टीवी चाहिए ना, फोन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए है ना कुनाली। कुनाली आप ऐसे ही रहना ठीक है, टीवी फोन गेम कंप्यूटर पीसी सबसे दूर रहना। अभी नॉर्मली खेलो, अपना फिजिकली खेलो ठीक है। तो अभी गाइस रात के 1 बज गए हैं, अब जाके एडिटिंग कंप्लीट हुई है और मुझे भूख भी लग गई, तो इसको अपलोड पे लगाते हैं और फिर कुछ खाने चलते हैं। चल तो ये है अपनी वीडियो, तो ये लगा दी अपलोड पे। तो रोटी और सब्जी मुझे मिल गई है भाई, तो मैं सब्जी को रोटी में डाल लेता हूँ इस तरह से मस्त। तो ये बन गया अपना रोटी रोल, इसके अंदर सब्जी है, मस्त खाते हैं इसको। तो मैं खाता हूँ 2 रोटी रोल और फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, पीयूष की हुडी डाल के क्या कर रहा है, उल्टे काम क्या कर रहा है। गाइज हमारे घर में एक नौटंकी है कुनाली, मतलब ऐसी हरकतें करता रहता है ये। गाइज मैं